में लॉकडाउन लागू है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान आवागमन में कोई भी पाबंदी नहीं लग रही है, जिसे लेकर यातायात थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में आज एक अभियान चलाया गया और शहर में चल रहे ऑटो और ई रिक्शा को जब्त किया गया है। और इस दौरान ई रिक्शा चालकों ने थाना अध्यक्ष के सामने काफी गुहार लगाई कि उनकी ये पहली गलती है और उन्हें वो माफ कर दे, इससे आगे ऐसी गलती नहीं होंगी। जिस पर थाना अध्यक्ष के द्वारा इन लोगों को एक वार्निंग देकर छोड़ा गया है। आइए जानते हैं ई रिक्शा चालकों से क्या है पूरा मामला। ई रिक्शा चलाते हैं, आपका ई रिक्शा को जब्त किया गया, क्यों जब्त किया गया है? जी ये तो लॉकडाउन लग गया है, इसलिए हम लोग को पता नहीं था ना सर कि 11 बजे के बाद तो होगा लॉकडाउन, हम लोग इसलिए नहीं चला रहे। पहली गलती तो सबको होता है, सब होता है, ऐसा तो एक अकेला हम थोड़ी नहीं है। टोटो को छोड़ा गया? हाँ छोड़ दिया, बस क्या बोले सर आपको? सर लाइट चांस दे रहे हैं बस, 15 मई तक नहीं चला, 15 मई तक नहीं चला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलमगीर है। हाँ सर, ए शरीफगंज। हमें पता नहीं था कि 11 बजे तक का टाइम था, कल तक चलाए थे, आज निकले घर से तो भी बोल रहे कि संपूर्ण लॉकडाउन है, कुछ नहीं चलेगा, तो इस वजह से हमारा टोटो पकड़ा गया। तो क्या फाइन भी किया गया है? नहीं सर, पहला बार माफ किया गया, हम लोग रिक्वेस्ट किए थे सर से। किसे किसे रिक्वेस्ट? दिनेश कुमार सर से। दिनेश कुमार सर क्या बोले? वो बोले कि आज तुम लोग छोड़ रहे हैं, अगर आइंदा अच्छे पकड़ा गया 15 मई तक तो गाड़ी जब्त किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई किया जाएगा। आपको भी लगता है ना कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए? एकदम करना चाहिए, पर हम लोग मजबूर है, दो बच्चे हैं, सोच रहे दो घंटे निकलेंगे 50-100 कमाएंगे तो चल जाएगा। आपकी परेशानी नहीं पूरे जिले के? हाँ वो तो है सर, अगर सब इसी तरह, हम लोग बिल्कुल लो क्लास का रिक्शा चलाने वाले हैं, अगर इस तरह सभी करने लगेंगे तो फिर? हाँ वो तो बात सही है, लॉकडाउन का पालन करेंगे, एकदम करेंगे, जरूर करेंगे। 15 मई तक नहीं, एकदम नहीं निकालेंगे। पाँच मई से 15 मई तक सरकार द्वारा लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है, इसी के बाद हम चाहते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन रहे। कोरोना एक खतरनाक बीमारी है, इससे काफ़ी महामारी से लोग जूझ रहे हैं, इसी अवसर पर इन लोग गाड़ी को पकड़ी गई है, क्योंकि ये लोग काफ़ी मात्रा में गाड़ी को चला रहे हैं, आज पकड़े हैं, पकड़ कर थाना लाए गए हैं। थाना पर इन्होंने काफ़ी अपना मैंने दुख तकलीफ रोने गाने लगा, रो गा रहा है, इसी अवसर पर इनको समझा बुझा कर कि दोबारा फिर आप लोग मत निकालें, घर भर बने रहें, कोरोना खतरनाक बीमारी है, आप लोग 15 मई तक कोई गाड़ी ना चलाएं, घर पर रहें। सर क्या लगता है ये जो आपके द्वारा पहल किया गया है, क्या रिक्शा चालक सब जागरूक होंगे? नहीं जागरूक होगा तो फिर पकड़ेंगे, मैं सबका फोटो ले लिया हूँ, अगर कल ये फोटो में जो पकड़े जाएंगे उनको फाइन किया जाएगा, उसके बाद निर्देश निकलते रहता है सरकार का, क्या होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।